सर मैसेज तो आते ही हैं जब लेट हो जाती है। मैसेज नहीं होता सर, मतलब मूवी जितनी मर्जी लेट हो जाए, जितनी मर्जी नहीं होती है। ये क्या है, स्कूल बुकिंग था सुबह का, नहीं वो तो चक्कर में दस बुकिंग आपने कोई प्लान नहीं थी ना, एक बिना प्लान के आप बुकिंग उठाई आपने। बुकिंग तो सर एकदम से ही आ जाती है, स्कूल के बच्चे नहीं, कोई शो ही नहीं था, मतलब जो शो ही नहीं है, जो बुक में शो में बुक कर रहे हैं वो तो आप नहीं। आपके पास कैसे मैसेज आता है ये बताइए कि बुकिंग लेट है कैंसिल है, कुछ तो आता ही है ना। कैंसिल शो होता है तो भी नहीं कोई मैसेज होता है सर, कस्टमर यहाँ आता है उसके बाद कैंसिल होता है, अपना रिफंड बुक माई शो से ले लेता है। तो अभी हम काम तो फंस गए, हम नहीं फंस क्यों गए, आप वेट कर लो आराम से बैठ जाओ, बैठने की सुविधा दे रहे हैं आपको, ये थोड़ी कह रहे हैं कि सर आप स्टैंड बाई पे रहो। मैं पूछ लेता हूँ कितने देर के लिए डिले बताओ, ये आपके गार्ड साहब ने बताया आधे घंटे से ज़्यादा डिले, आपको पता ही नहीं आप मैनेजर हो यहाँ पे। गार्ड के किसने कहा आधे घंटे डिले, यहाँ पे एंट्री पे जो गार्ड है वो बता रहा है आधे घंटे से ज़्यादा लेट है, आप मैनेजर हो आपको पता ही नहीं कब कितनी देर लेट। सर 15 मिनट तो अब हो गए ना, आप वीडियो बना रहे हो क्या? वो तो बना ही रहा हूँ, बना रहा हूँ। पंद्रह मिनट डिले ठीक है। नहीं हुई चालू, क्या हुआ? 2:55 का टाइम दिया था चंदन ने, बुलाना चंदन को, कहाँ पे बुलाइए, मैनेजर हैं आपके, किसके मैनेजर हैं? है ही नहीं यहाँ पे, करनाल सेक्टर 12 मूवी टाइम, मैनेजर ही नहीं है। कौन सी मूवी देखने आए आप और टाइम कितने का था? और अभी शुरू नहीं करी इन्होंने, तो 15 मिनट्स तो हो गए। सर वो मैनेजर को बुला दो चंदन जी, वो 2:55 में बता रहे थे। मुझे लगा हो जाएगी टाइम पे 2:55।